जून छुट्टी है और इसका एग्जाम भी चल रहा है इसी बीच में, लेकिन आज छुट्टी है, बोलकर एग्जाम नहीं है, छुट्टी मिल जा रहा है। तो इसको क्या करना है आप इसके मुंह से सुन लीजिए, क्या करना है? कान छेदाना है। इसको कान छेदाना है, ऐसा बारिश में कोई कान छेदाता है फैमिली? तो ये देखिए फैमिली, ये रात 9 बजे का वीडियो है। मैंने 9 बजे रात से अपना ब्लॉगिंग शुरू कर दिया था। तो ये जो है लड्डू गोपाल को मैं खाना खिलाकर सुला रही हूँ, और इधर मेरी बेटी भी खाना खा रही है, इधर मेरा बेटा सो रहा है, और इधर लड्डू गोपाल भी सो भी रहे हैं, जाग भी रहे हैं, मतलब वो नाटक कर करके सो रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें सुला दूँगी। और ये देखिए गाइस, ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है। तो रात में उसके बाद मैं खा पी करके सो गई थी, और ये सुबह का है। तो ये सुबह 5 बजे का वीडियो है, क्योंकि सुबह सुबह मैं किचन क्लीन करने के बाद जो है फिर चली जाऊंगी। सॉरी गाइस, सुबह 5 बजे का वीडियो नहीं है, 5 बजे मैं उठी थी लेकिन फिर मैं सो गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी हूँ 7 बजे, तो ये 7 बजे का वीडियो है। तो आज जो है बच्चों का स्कूल नहीं था, इसीलिए मैं सो गई थी उठकर। तो एक दिन आराम मिला, छुट्टी था बोल के आराम मैं कर रही थी। तो ये देखिए मैं खिड़की जो है खोल के धो रही हूँ, क्योंकि खिड़की पर जो है ना छोटे छोटे चिड़ियाँ आती है, कौवा आते हैं, तो पॉटी करके चले जाते हैं, इसीलिए उन सबको मैं क्लीन कर दे रही हूँ। करने के बाद जो है उसमें मैंने लाइजोन डाल दिया पानी में, क्योंकि स्लाइडर को पोछना था। स्लाइडर जो है ना बहुत गंदा क्या, वो तो डेली पोछाता है लेकिन बारिश के कारण गंदा हो जा रहा है, बार बार उसमें कीड़ा जम जा रहा है। तो इस तरह से पोछ के मैं निकाल देती हूँ, नहीं तो कीड़े जो है बहुत ये हो जाते हैं गाइज, चिपक जाते हैं। तो संग संग कर देने से साफ़ रहता है, और ऐसे स्लाइडर भी साफ़ रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं होता है, इसीलिए मैं इसी तरह पोछ दे रही हूँ। तो गाइज, पूछते पूछते मैं आपसे बातें कर लूं। तो फैमिली, आप सभी को दिल तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली बने हैं। अब तक के मेरा 700-750 के लगभग फैमिली कंप्लीट हो गया है। तो गाइज, आप लोग अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें, और जो नए फैमिली जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करना ना भूले गाइज, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले जो मैं ब्लॉगिंग करूं। तो ये देखिएगा, एक ही मोबाइल की वजह से जो है मैं ब्लॉगिंग रेगुलर नहीं कर पाती हूं फैमिली, क्योंकि मोबाइल में जो है पढ़ाई भी है। तो ये इन सबको मैं कर लूँगी, घर पोछ लेती हूँ। तो देखिए पलंग के नीचे जब तक हम हटा हटा के कोई चीज़ें नहीं पोछते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं सबको हटा हटा के पोछ ले रही हूँ। तो पलंग के नीचे पोछा गया है, अब अलमारी के नीचे पोछूँगी। तो देखिए कोना कोना साफ़ करना हमारी जिम्मेदारी होता है, जो साफ़ नहीं करिएगा तो खुद मन बार बार उधर ही जाएगा, तो इसीलिए मैं साफ़ कर लेती हूँ हर दिन। तो ये देखिए, और बाल इतने झड़ रहे हैं ना गाइस, आप देख सकते हैं मुंह पर बार बार छोटा छोटा बाल आ जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ना सिंदूर लगाते वक्त गिर गया था, तो इसीलिए मैं वहाँ पे लाइजन देके अच्छे से रगड़ के पोछ दे रही हूँ, ताकि वो साफ़ हो जाए, क्लीन हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो है रूम मोटा मोटी जो है मैंने पोछ लिया है, तो अब रूम हो जाएगा। तो फिर मैं हॉल पकड़ लूँगी, हॉल भी पोछ दूँगी मैं लगे हाथ। और एक बात गाइस, बरसात में जो है ना आप जितना भी पोछे जल्दी सूखता नहीं है, भीगा भीगा सा। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आज नहीं पोछूँगी, घर झाड़ के ही रख दूँ, लेकिन ना अंदर से मन नहीं मानता है, पोछना ही पड़ता है, इसीलिए फिर मैं पोछ लेती हूँ। तो ये देखिए फैमिली, इधर रूम की क्लीनिंग जो है हो गई है, अब मैं हॉल पोछ लूँगी। तो हॉल पोछने के वक्त मैं गाइज में फास्ट फॉरवर्ड लगा दी थी, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता हमारा वीडियो, इसीलिए। तो ये देखिए हॉल जो है मैं पोछ लिया, और हॉल में जो है ना ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो जल्दी भी पोछा जाता है, क्योंकि खाली खाली है और चीज़ें रहते हैं तो हटा हटा पोछना पड़ता है, और आप हटा कर नहीं पोछेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा फैमिली। तो देखिए इन सबको मैं पोछ ले रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइज, आज छुट्टी है 29 जून, तो मेरे हाथ के जो है थोड़ा परछाई आ जा रहा है। आज 29 जून छुट्टी है और इसका एग्ज़ाम भी चल रहा है इसी बीच में, लेकिन आज छुट्टी है, बोलकर एग्ज़ाम नहीं है, छुट्टी मिल जा रहा है। तो इसको क्या करना है आप इसके मुंह से सुन लीजिए, क्या करना है? कान छेदाना है।
उसको कान छिदाना है। ऐसा बारिश में कोई कान छिदाता है फैमिली? है कान ठंडा का मौसम में छिदाया जाता है ना, तो ठंडा आने दीजिए, जनवरी में इसका कान जो है हम लोग छिदवा देंगे। नहीं जनवरी में नहीं, ना जनवरी में, जनवरी में छिदाएंगे, जनवरी में छुट्टी रहता है विंटर वेकेशन का। हाँ तो छुट्टी के पीरियड में इसको छेदाएंगे तो अच्छा रहेगा ना गाइस, घर में रहेगी देख रेख हो जाएगा कान का, स्कूल जाएगी तब कोई भी कान में जाकर टूस टस कर देगा बस। कोई नहीं करता, कभी नहीं। सब आए दिन बोलती वो परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, आज कान तो नहीं छूटता। तो गाइस अभी मैंने घर उठ पोछ लिया है और कल हम लोग गए थे खिलौना लाने, स्कूल का प्रोजेक्ट है दिखा तो सुना लेकर के आ तो क्या है नाम, फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है जिसमें डॉक्टरी सारा सामान रखा जाता घर में छोटा मोटा सा, डॉक्टर का जो सामान रहता है ये देखिए, इसी को मेरी बेटी ने बनाया, इसमें देखिए सारे सामान भरे हुए हैं। तो टीचर ने बोला है कि टीचर बोली है कि उसमें सब भर करके लेकर के आना है, ये भी एक तरह का प्रोजेक्ट है और जिसका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगेगा उसको टीचर रख लेगी। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरी बेटी का फर्स्ट कौन लिखा है फर्स्ट एड बॉक्स जो है कितना अच्छा बना है। तो देखिए आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है ना फैमिली, तो प्लीज मेरे बेटी का ये बॉक्स को सपोर्ट करिएगा आप लोग। वो चाहती है कि मैम उसका देख करके उसको वापस दे दे, जमा ना करे ताकि घर में बैठ के खेले। तो ये प्रोजेक्ट जो है कल लेकर के जाएगी तो बच्चों को पढ़ाने में बहुत ये है, ये बनाओ वो बनाओ ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, आए दिन कोई ना कोई प्रोजेक्ट मैम लोग बोलती रहती है बनाने, का किया जाएगा बनाना तो पड़ेगा। तो फैमिली कल हम लोग वही इसका प्रोजेक्ट का जो है खिलौना लाने के लिए गए थे, तो जाते समय तो हम मन में ख्याल था कि कहीं रथ यात्रा अगर दिख जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने जब सारा चीज खरीद लिया तो देखे कि उधर से रथ यात्रा आ रहा है, बहुत बड़ा रथ था। कितना बड़ा था अच्छा से बोल दो सोना, हम लोग का घर का आधा रथ था। तो बहुत सुंदर लग रहा था गाइस, तो मैंने थोड़ा सा उसका ब्लॉगिंग किया है, आप लोग प्लीज जगन्नाथ जी को का दर्शन करें और आशीर्वाद ले गाइस, और मैंने जो शॉर्ट्स छोड़ा है जगन्नाथ जी का उसे भी आप लोग आगे बढ़ाए, सपोर्ट करें, शेयर करें। तो गाइस मिलती हूँ मैं, अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मौसम इतना अच्छा है ना क्या बोले, देखिए कोई पसीना नहीं है अभी स्किन में, ये अभी थोड़ा सा भी उमस वाला गर्मी दे देगा, इधर से छुएगा छूने लगता है। तो गाइस प्लीज माइंड नहीं करेगा, मैं लेट करके ही बात कर रही हूँ क्योंकि पूरा घर झाड़े पोछे हैं तो थोड़ा कमर दर्द दे रहा है इसीलिए। तो अब मैं जा रही हूँ, नहाऊँगी नाश्ते बनाऊँगी, बहुत काम है, लड्डू गोपाल को नहलाऊँगी मैं, लड्डू गोपाल भी अभी सो रहे हैं उनको भी उठाना है मुझे। तो बाय बाय गाइस, बाद में मिलते हैं। तो ये देखिए भाई गाइस सुबह का जो है ब्लॉगिंग करने के बाद ये 3 बजे का ब्लॉगिंग है, तो मैंने जो है मोबाइल फिर ब्लॉगिंग नहीं किया था गाइस, कर नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे लोग जो है इसमें पढ़ाया आया था, वो दोनों भाई बहन जो है पढ़ रहे थे तो होमवर्क पूरा कंप्लीट कर रहे थे, तो इसीलिए तो पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइज, ब्लॉगिंग तो आज नहीं तो कल हो जाएगा लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मोबाइल दोनों बच्चों के पास था, दोनों पढ़ाई कर रहे थे उसी से, तो मैंने फिर ब्लॉगिंग नहीं किया, नहीं तो मैं करती। और ये देखिए जो सूखे कपड़े थे वो मैंने उतारे हैं और जो गीले हैं वो फिर मैंने फैला दिए हैं गाइज, तो कपड़े जो है जल्दी सूख नहीं रहे हैं बारिश के कारण, बहुत मुश्किल लग रहा है और नहीं सूखने से महक जाता है कपड़ा। तो ये देखिए गाइज
पूरा हो गया क्लीनिंग, तो हम लोग जो है बाहर निकले थे, तो इधर रथ यात्रा निकला है फैमिली। तो देखिए रथ यात्रा, तो हम तो मन में सोचे भी नहीं थे कि रथ यात्रा दर्शन कर पाऊँगी। मैं सोचते सोचते जा रही थी शायद हो सके मिल जाए, लेकिन कंफर्म नहीं थी, लेकिन मिल गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए जगन्नाथ जी का रथ निकला है, मतलब क्या बोलते हैं ना, 9 दिन के बाद जगन्नाथ जी अपने घर आते हैं, इससे वही हो रहा है। तो आ रहे हैं कि जगन्नाथ जी अपने धाम को, अपने घर को लौट रहे हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स। फैमिली, जो नए फैमिली जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए कितना अच्छा से येल्लो येल्लो सब पहन करके है, ढोल बजा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इधर देखिएगा, इधर जो है ना शिव मंदिर है, शिव पार्वती जी का। तो ये लोग आगे बढ़ गए थे, तो किसी ने कहा कि ऐसे परिक्रमा करके जाओ, आगे बढ़ करके नहीं जाया जाता मंदिर से। तो वो परिक्रमा करने चले गए हैं, और रथ जी जो है वहाँ रुका हुआ है, वो मतलब रुका क्या है, वो आ जाएंगे अभी तुरंत में। तो देखिए यही है शिव पार्वती का मंदिर और बूढ़ो बाबा का मंदिर है। तो बूढ़ो बाबा आप लोगों में से कितने को पता है, हमें बताइएगा कौन कौन जानते हैं कि इन्हें बूढ़ो बाबा कहा जाता। तो ये देखिए मंदिर का जो है परिक्रमा कर ले रहे हैं, करके ये जा रहे हैं। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो गाइस? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, जो नए फैमिली है बोल सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।